नमस्कार तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हैं माता रानी और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तुला राशि वालों भगवान महादेव जी की कृपा से आप दिन दोगुने रात सोगुनी तरक्की करें। दोस्तों बता दें कि आज शाम 5 बजे के बाद आप सभी के जीवन काल में कई ऐसे ऐतिहासिक परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। जी हाँ तुला राशि वालों, अब मत कहना कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, जो जो चाहिए तुला राशि वालों सब कुछ मांग लो, क्योंकि दोस्तों देवों के देव भगवान महादेव जी आपकी समस्त इच्छाएं पूरी करने वाले हैं और आपकी खाली झोली भरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, देवों के देव महादेव जी बहुत ही निराले हैं और तुला राशि वालों इनकी खेल तो और भी निराला है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अब आपके ऊपर देवों के देव महादेव जी की कृपा पड़ने वाली है। दोस्तों आपको जरूरत है थोड़ा सा समय देकर इन सभी शुभ अवसरों को पहचान कर लाभ उठाने की। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों एक बात हम आप सभी को बता दें, भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा भक्त दुख तकलीफ में हो, उनके जीवन में कभी कोई परेशानी हो, कभी कोई संकट हो, ऐसा हमारा भगवान महादेव जी कभी नहीं चाहते हैं। लेकिन दोस्तों डिपेंड करता है सब कुछ कर्मों पर। जी हाँ तुला राशि वालों, अपना कर्म अच्छे रखें और भगवान पर विश्वास रखें, भगवान आपकी खाली झोली भरने में जरा सी भी देर नहीं लगाएंगे, इस बात की 100% गारंटी है तुला राशि वालों। दोस्तों आपने तो बहुत से लोगों को देखा होगा गरीब से अमीर बनती, और आपने यह भी देखा होगा कि अमीर से गरीब बनती। जी हाँ, भगवान ने सभी को एक जैसे बनाए हैं, लेकिन कोई अपने मेहनत करके और भगवान पर विश्वास करके आगे बढ़ जाता है और कोई घमंड करके अहंकार करके जहां की वहीं रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, भगवान देवों के देव महादेव जी आज आपको जो चीज देने वाले हैं आप उसे जिंदगी भर वर्षों तक याद रखोगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आपकी न्याय की वही खाता खुल चुका है, अब आपके दुश्मन अब आपके एनेमिश बिन पानी की मछली के जैसा तड़पेगा आपकी तरक्की और आपकी कामयाबी देखकर। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों जानते हैं देवों के देव महादेव जी आज आपको क्या क्या देने वाले हैं, आपकी वो कौन सी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, बिल्कुल अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उनके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ कोई संकट नहीं आएगा। और साथ ही साथ जो भी महादेव जी के भक्त कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जय माता रानी का जयकारा लगाएगा, उनका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं तुला राशि वालों, देवों के देव महादेव जी की कृपा से आज आपको एक शौक संदेश दो बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जिससे आप माला माल हो जाओगे। लेकिन दोस्तों सवाल उठता है कि आप उसकी पहचान कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसा सवाल सबके मन में ज़रूर आता होगा। तो देखिए दोस्तों, भगवान किसी के भी घर इनडायरेक्टली नहीं जाती हैं और ना ही वो किसी को अपना असली रूप दिखाती हैं। भगवान वो साया है जो किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है वो भगवान सब देख रहे हैं, क्योंकि सारा खेल उन्हीं का है। देवों के देव महादेव जी ही हमारे जीवन को बिगाड़ते भी हैं और हमारे जीवन को संवारते भी हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, देवों के देव भगवान महादेव जी की कृपा से आज का दिन आपके लिए सभी दिनों में से बेहतर रहने वाला है, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रही है। आज आप पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे, काम में भी आपका फुल कॉन्फिडेंस बना रहेगा और यही कॉन्फिडेंस आपको सफलता दिलाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तब हमारा आत्मविश्वास ही हमें बता देता है कि हमें सफलता मिलेगी या नहीं। जी हाँ, क्योंकि हमारा मन पहले से ही जान जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जी हाँ, आज आपकी आमदनी बढ़ने से मन काफी प्रसन्न रहेगा।
लेकिन दोस्तों आमदनी बढ़ने के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। उस पर आपको ध्यान देना है कि खर्चे हमेशा अपने बजट के अनुसार ही करना है। जी हाँ, नहीं तो आपका बजट गड़बड़ा सकता है और आपको समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस कर रहे लोग कुछ भी करके आगे बढ़ें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे, नहीं तो समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपकी आमदनी बढ़ने से एक से अधिक सोर्स से इनकम प्राप्त होंगी, लेकिन आपको कई काम एक साथ हाथ लगने से आपकी व्याग्रता बढ़ सकती है और आपको अपने विरोधियों से आज जरा सावधान रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो वो आपके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा, परिवार में आज किसी मुद्दे पर चर्चा करते समय आप अपनी बात अवश्य रखें, नहीं तो गलत फैसला हो सकता है। आपका कोई मित्र आज आपकी किसी बात को बुरा मान सकता है, इसलिए दोस्तों आज आप बोलने में सावधानी रखें और सोच समझ कर ही वाणी का प्रयोग करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर देवों के देव भगवान महादेव जी की कृपा दृष्टि बन रही है, आपको चारों ओर से सफलता मिलेगी। आप अपनी किसी नई क्रिएटिविटी को निकालकर ला सकते हैं जिसे देखकर आपके अधिकारी भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, आपके पार्टनर की कोई बात आपके दिल को छू जाएगी जिससे आप दोनों के बीच प्रेम और गहरा होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि वह लंबे समय से नाराजगी चल रही थी तो आप उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करनी होगी, बात आपकी बन सकती है। संतान से आप यदि किसी काम को कहेंगे तो वह भी उसे समय रहते पूरा कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, परिवार में आप अपने माता पिता की सेहत के प्रति सचेत रहें क्योंकि आपके माता जी के स्वास्थ्य में अभी कुछ समस्या हो सकती है जिससे आपको थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ सकता है, थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों परेशानी उनका समाधान नहीं है। आपको बस मन को शांत रखना है और समाधान ढूंढना है। ऐसा कोई देखिए परेशानी समस्या नहीं है जिनका कोई समाधान नहीं है। गीता में साफ शब्दों में लिखा गया है, जिस समय समस्या जन्म लेती है उसी समय समाधान भी जन्म लेता है, लेकिन जरूरत होती है आपको सही समय पर सही चीजें इस्तेमाल करने की। जी हाँ दोस्तों, बात समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते जा रहिएगा और कमेंट बॉक्स में कहिएगा सही बोल रहे हैं गुरुजी। आगे आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है और आपको आज किसी दूसरों की मदद करने का भी मौका मिल सकता है। आप अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों का पूरा ध्यान देंगे जिससे परिवार के सदस्य भी आपसे काफी ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। जी हाँ, बड़े भाइयों के द्वारा आपका कोई महत्वपूर्ण काम सफल हो सकता है और आपको अपने माता जी के प्रेम व सहयोग से किसी धन संपत्ति समस्या से छुटकारा मिल सकता है। जी हाँ, जीवन साथी से आज अपने मन की किसी बात को कह सकते हैं जिससे वह उनका सहयोग में भी भरपूर मात्रा में साथ मिलेगा। जी हाँ, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन धार्मिक कार्यक्रम में जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा और आप अपने मन की कोई बात परिवार के सामने रख सकते हैं जिससे आपका मानसिक बोझ भी कम होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई समस्या है तो आप अपने माताजी से शेयर कर सकती हैं, उनका समाधान आपको जरूर मिलेगा। आज आप भगवान की भक्ति में लीन नजर आएंगे और सभी काम आपका निर्विघ्न पूरा होता जाएगा। आप इधर उधर लोगों की दर दर की बातों पर ध्यान न लगाएंगे। आपको यदि किसी निवेश को करने की सूचना मिले तो आपको बहुत ही सावधानी से करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, किसी की बातों में नहीं लगना है, खासकर उन लोगों की बातों में जो आपके सामने मुंह पर बहुत ही मीठे मीठे बोलते हैं, नहीं तो आज आपसे कोई गलती हो सकता है और आपसे कोई कर्म धर्म के नाम पर ठगी कर सकता है। इस बात का जरा ध्यान रखिएगा तो आपके लिए बेहतर होंगी। वहीं दोस्तों, वैवाहिक जीवन आनंदमय रहने वाला है। आपकी आज अपने किसी पुराने मित्र से मुलाकातें होंगी जो कि आपको काफी खुशी महसूस होगी। जी हाँ दोस्तों,
कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आपके घर आज किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम होने से खुशियां बनी रहेगी और आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाना है, नहीं तो छोटी मोटी बात को भी अकारण ही जो है झगड़ा हो सकता है। जी हाँ, आपको आज अपने रुके हुए काम को समय रहते पूरा करना होगा और कार्यक्षेत्र में आपको भाग्य अनुसार काम मिलने से आपका मन काफी ज्यादा प्रसन्न रहेगा। जी हाँ दोस्तों, समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। इस शुभ समय का लाभ उठाएं और आज का दिन बेहतर बनाएं। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।